समाचार जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। आज चर्चा कांग्रेस में। कांग्रेस आज देश भर में संविधान बचाओ दिवस मना रही है। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस भी है और प्रियंका गांधी इस समय राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पे लोगों को संबोधित कर रही है। कांग्रेस पिछले कुछ महीनों में देखा जाए, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस को कई मुद्दे मिल गए हैं जिससे कांग्रेस अपनी पार्टी को बचाने की कवायद में लग गई है। इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी। सुरेंद्र जी, ये संविधान बचाओ दिवस आज कांग्रेस मना रही है, ये संविधान बचाओ दिवस है या कांग्रेस बचाओ दिवस है? देखिए, दोनों दिवस हैं, क्योंकि नागरिकता कानून और NPR के बाद सारा विपक्ष कह रहा है कि संविधान जो हमारा है वो खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उस हिसाब से सरकार काम नहीं कर रही। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति आई है और झारखंड में चुनाव जीतने के बाद झारखंड मुक्त मोर्चे के साथ, झारखंड में भी कांग्रेस तो एक मतलब सेकेंड ग्रेड की पार्टी है वहाँ मिल नहीं मैं आपसे मुक्ति मोर्चा है। मैं उससे इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि चुनाव के पहले ही जो गठबंधन बना उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नंबर एक पर थे, नंबर दो पर कांग्रेस लेकिन राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन पहली बार उन्होंने महसूस किया कि हम राष्ट्रीय पार्टी भले हो, लेकिन अगर हमें राज्यों पर से BJP को हटाना है तो जो फॉर्मिडेबल गठबंधन होगा हमें उसके साथ जुड़ करके BJP के खिलाफ लड़ना होगा, नंबर एक बात। अभी आपने कही संविधान बचाओ, हम उसको कांग्रेस बचाओ दिवस भी कह सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि इस समय कांग्रेस बचाओ का सारा बीड़ा जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी संभाले हुए हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव भी है और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है और वो लगातार प्रदेश सरकार की कमियों को उजागर कर रही है। इसमें पहला है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा बेटियों और महिलाओं का जो संकट है। आपने लिखा हुआ कि लगातार वो चाहे उन्नाव हो या ऐसा कोई भी मामला जहां पर बेटियों पर अत्याचार हुआ, सबसे पहले प्रियंका पहुंचती है। देखिए, पिछले कई महीने से आप एक बात ध्यान दीजिए कि प्रियंका गांधी हर घटना पर उत्तर प्रदेश में उपस्थित होती। उन्होंने अपनी आमद कराई सोनभद्र में, जो जमीन कांड हुआ जिसमें बहुत लोग गोली कांड हुआ, बहुत लोग मारे गए जमीन पर जबरन कब्जा को लेकर, और उस समय ऐसा हुआ कि सरकार बाद में पहुंची, सपा बाद में पहुंची, बसपा बाद में पहुंची, सबसे पहले कांग्रेस पहुंच गई। एक अच्छा मैसेज दिया, उससे थोड़ा एक्टिवेट हुए लोग कांग्रेस के। दोबारा फिर मौका मिला उनको उन्नाव के रेप कांड पर, सेंगर को उन्होंने घेरा कस के, उसके पहले वो जो MP हैं साक्षी महाराज उनको घेरा और उन दोनों में उनको सफलता भी मिले। वो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि देखिए मेरे कारण इन दो घटनाओं में तेजी आई, और ये कुछ हद तक ठीक भी। और शाहजहांपुर में भी जो एक उस पर लड़की पर दुराचार और उसके बाद उसको जेल में गए, तब भी उनके साथ खड़ी नजर आई। ठीक है, ठीक। तीसरा, जब ये CAA NPR और NRC का चक्कर हुआ तब भी आप देखिए लगातार फ्रंट पर है। आपने देखा होगा दो तीन दिन पहले वीडियो आया था सामने कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मेरठ जाने पर उतारू थे, जहाँ हिंसा में एक परिवार के लोग मारे, नहीं जाने दिया गया। लेकिन ठीक है, ये हर सरकार करती है, को विपक्ष को घटनास्थल से दूर रखना चाहती है इस नाम पर कि साहब इनके जाने से वहाँ स्थिति खराब हो सकती है। और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मामला होता है जिसमें सरकार को इतने अधिकार प्राप्त हैं को किसी की भी एंट्री रोक सकती, तो रोकी उन्होंने। लेकिन उनका जो पब्लिक के बीच मैसेज जाना था वो मैसेज चला गया कि भाई प्रियंका और राहुल दोनों जो हैं हर जन घटना पर सामने आना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो रीजनल पार्टी है, रीजनल या नेशनल भी कह लें, समाजवादी पार्टी और BSP, मायावती सिर्फ ट्वीट और बयान जारी कर रही हैं, अखिलेश यादव बहुत होता है तो जाके राजधानी में थोड़ी देर के लिए अनशन पर या धरने पर बैठ जाते हैं,
प्रियंका गांधी ही लगातार जिलों में जा रही हैं और जो भी पीड़ित हैं उनके परिवार से मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस जो कि हाशिए पे थी अभी तक और लगातार लोकसभा में भी उसको बहुत सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अचानक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तो क्या यूपी में भी कोई मेजर वो चुनौती बन के, मुख्य चुनौती बन के भाजपा के लिए उभर के आएगी? देखिए अभी स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश में दो रीजनल पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये कोई बहुत प्रयास नहीं कर रही है। पता नहीं क्या कारण है उनके, थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाए। ECA वाले में तो हमने देखा अखिलेश यादव दो जगह गए, कुछ जगहों पे इनके कार्यकर्ताओं ने जरूर पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाकी किसी बड़े नेता ने इनके पार्टिसिपेट नहीं किया। मायावती तो बिल्कुल सीन से गायब है, उन्होंने तो कहा कि आप चिट्ठी लिख करके अपना विरोध प्रदर्शित करिए, तो इसको माना ये जा रहा है लोगों के बीच में कि वो एक तरह से बीजेपी सरकार के साथ है, क्योंकि इस मामले पर वो खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राज्यसभा में भी, लेकिन राज्यसभा में भी सपा और वो दोनों अनुपस्थित थे जब बिल पास हो रहा था। हाँ, तो वो टोकनिज्म की जो राजनीति है, जहाँ टोकन देना वहाँ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ फील्ड पर उतरना है, तो यहाँ अभी स्थिति क्या है कि रीजनल पार्टीज इनएक्टिव हैं या कहें कम एक्टिव हैं, और एक नेशनल पार्टी कांग्रेस वो एज ए रीजनल पार्टी यहाँ उभर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब चुनाव की तैयारी तो देखिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन अगर गियर अप करना है कांग्रेस को, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे लगातार मिलते जा रहे हैं, और इन मुद्दों को अगर कांग्रेस भुनाते रहने की कोशिश करेगी, जन आंदोलन करेगी, सड़कों पर जाएगी, देखिए एक माहौल बनता है। अगर ये माहौल बनेगा अभी से कि नहीं कांग्रेस एक्टिव है, तो मुझे लगता है ये रीजनल पार्टियां जो हैं ये गौण हो जाएंगी और कांग्रेस इनकी जगह ले सकती है। अच्छा, और उधर देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेजी से चंद्रशेखर मायावती के लिए चुनौती बनके उभरे हैं और प्रियंका ने उनसे भी मुलाकात की है, इसका क्या मायने? देखिए इसका मायने क्या, चंद्रशेखर उर्फ रावण क्या कहना चाहिए, दलितों के बीच में जो शब्द अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वंचितों के बीच में, बहुसंख्यकों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। एक तो यंग है, उनके पास अच्छी टीम है, वो हर मौके पर उतरते हैं। ही इज बिहेविंग लाइक एन अपोजिशन लीडर फॉर दिल्ली में भी पहुंच गए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट का लाठीचार्ज उसमें, हाँ, उसमें ये चंद्रशेखर भी पहुंचे थे, उनको अरेस्ट भी किया गया था। तो हर उस मामले पर जहाँ नेता को कूदना चाहिए, चंद्रशेखर अकेले एक नेता इस समय उत्तर प्रदेश में है जो कूद कर राजनीति में भाग ले रहे हैं, बाकी ये लोग पीछे हैं। नंबर एक, अब कूदने का काम कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की निगाह है कि अगर चंद्रशेखर कहीं उनके पाले में आ जाए तो कुछ बात बन जाए। ठीक, BSP का है, उसका मानना है कि अगर ये चंद्रशेखर का जलवा बढ़ेगा तो मायावती का जलवा कम हो सकता है। आप याद करिए आज से 30-35 साल पहले मायावती इसी तरह आंदोलनों में कूदती थी और जगह जगह भाषण देती थी, जिससे उसकी बड़ी नेता बनी। अब उनको एक खतरा है कि ये इसीलिए देखिए चंद्रशेखर को वो इग्नोर करना चाहती हैं। चंद्रशेखर भी बड़ी संजीदगी और साइलेंट रहते हुए कोई पंगा नहीं ले रहे BSP से, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें बिला वजह हम फंस सकते हैं, लेकिन लगातार अपनी स्थिति को मजबूत किए जा रहे हैं। अब एक मौका ऐसा आ सकता है कि अगर चंद्रशेखर के इर्द गिर्द और जो स्पेशली जो पढ़ा लिखा वर्ग इन वंचितों का है अगर जुट गया, तो सबसे पहला खतरा मायावती के लिए है कि उनका बेस वोट बैंक जो है वो गड़बड़ाएगा, और दूसरा खतरा भाजपा के लिए भी, भाजपा ने जो विक्ट्री प्राप्त की है उसमें इन वंचितों का, दलितों का, पिछड़े लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, तो भाजपा उस खतरे को भांप रही है। लेकिन उसके लिए, और उन्होंने चंद्रशेखर पर कई ढंग से दौरे भी डाले, उनको जेल से एक बार छुड़वा भी दिया कि शायद उनके पास, लेकिन चंद्रशेखर इज प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी इंटेलिजेंटली, वो मायावती से पंगा नहीं ले रहा है, भाजपा से दूरी बनाए हुए है, और कांग्रेस को भी कंधे पर हाथ नहीं रखने दे रहा है। ठीक है, अब बात मुस्लिमों की। हाँ, कांग्रेस की भी नज़र मुस्लिमों
बैंक में है और सपा और बसपा दोनों की नज़र या वो चाहते हैं या कहते हैं, दावा करते हैं कि मुस्लिम भाई हैं जो प्रदेश के, वो उनका साथ देंगे क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान मैं आपकी बात समझ गया। इसमें थोड़ा चेंज ये आया है कि बसपा ने इस नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन में कतई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुस्लिम इस बात से नाराज है। आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि मुसलमानों के समर्थक हैं और मुसलमान पीट रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जो इफेक्टेड पार्टी वो तो सोचती ना कि अगर हमें लोग संरक्षण देते तो हमारी दुर्गति नहीं होती। तो उनका तो मुझे लगता है कि बीएसपी को इसका खामियाजा आगे पीछे भुगतना पड़ सकता है और मुसलमान ने एक तरह से वो बीएसपी को माइनस करेगा, उसकी चॉइस में कांग्रेस और सपा रह जाएगी। लेकिन कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है, जो इस तरह अभी रिसेंट हाल के दिनों में आंदोलन हुए हैं तो कांग्रेस ने बहुत मुखर होके और जो अल्पसंख्यक है उनका साथ दिया है कि हम उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे, संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सपा से ज्यादा तरजीह मुसलमान लोग कांग्रेस को देंगे अगले चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है दे सकते हैं, देंगे हम नहीं कह सकते, वो तो कोई ज्योतिषी बताएगा, वो खैर ज्योतिषी भी क्या बताते हैं, बिल्कुल फिर बात करते हैं। लेकिन जो अभी आज का परिदृश्य है और ये CAA की लड़ाई लंबा चलेगी, ये बात एक हम सबको समझ लेनी चाहिए, राजनीतिक विश्लेषकों को भी, पॉलिटिकल स्टारवर्ड्स को भी, कि लड़ाई आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार वजीद है कि नहीं हम इसको लागू करेंगे, और जब वो बजीद है तो प्रदर्शन होंगे। अब आप देखिए प्रदर्शन फिर शांतिपूर्ण दिशा में आ गए। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसी तरह होते रहे तो आग तो जलती रहेगी, और जब आग जलती रहेगी तो किसी न किसी को तो राजनीतिक फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय थ्रू आउट कंट्री कांग्रेस इस मामले में लीड ले रही है, अन्य साउथ की पार्टियां छोड़ दीजिए, नॉर्थ में कोई लीड ले, हाँ उत्तर प्रदेश, उत्तर के राज्यों में कांग्रेस ही लीड ले रही है। सपा जो कर सकती थी उसके पास कार्यकर्ता भी है, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके वो लोग भी ट्वीट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ट्वीट से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीतती। ट्वीट से आप अपनी बात कह सकते हैं, वाक युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन असली चुनावी युद्ध लड़ने के लिए जमीनी धरातल पर बैनर पोस्टर के साथ उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे। और मैं इसको शुभ संकेत भी मानता हूँ। आपको याद होगा पिछले 5-6 साल से इस प्रदेश में वो प्रदर्शनों का एक दौर ही खत्म हो गया था, सब लोग बैठे घर पर आराम से, कभी रैली कर दी शांतिपूर्ण, और कभी जिसको कहते हैं ब्रांडिंग ऑफ द पार्टी, ब्रांडिंग ऑफ द नेता, इतने पर सीमित थे। लेकिन इस नागरिकता कानून संशोधन के जो विरोध में रैलियां हो रही, उसने उत्तर प्रदेश में नए सिरे से आंदोलनों और प्रदर्शनों की राजनीति को फिर एक ग्राउंड दिया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत भी है, और किसी भी लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन धरना, बस वो हिंसक न हो, ये लोकतंत्र के स्वस्थ होने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि हाशिए पे पहुंच गई कांग्रेस, फिर से सड़कों पर है और एक्टिव है। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी 2 साल से अधिक का समय है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव है और कांग्रेस में जान फूकने की कोशिश कर रही है, आंदोलन किसी भी मुद्दे पे हो सबसे आगे बढ़ के हैं, तो ऐसा लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा से कहीं बड़ी और कड़ी चुनौती भाजपा के लिए कांग्रेस होगी। इसके साथ हम फिर हाजिर होंगे नए विषय और नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए जुबली पोस्ट और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।